नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखिए, जब कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन मतलब कोइटस और सेक्स, तो पेनिस से सीमेन रिलीज होता है वजाइना में, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन में क्या होता है, सीमेन इज रिलीज्ड फ्रॉम पेनिस इनटू वजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, जिसको कहा जाता है सेक्स, या इसी को कहा जाता है कोइटस, या इसी को कहा जाता है कॉपुलेशन, ठीक। तो जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्स होता है, या कोइटस होता है, या कॉपुलेशन होता है, तो मेल के पेनिस से सीमेन रिलीज होता है वेजाइना में, ठीक, और इसी को कहा जाता है इंसेमिनेशन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि कितना ये जो सीमन का इजैकुलेशन होता है, अच्छा, रिलीज ऑफ सीमन को क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन। तो ये जो रिलीज ऑफ सीमन है, रिलीज ऑफ सीमन, इसी को कहा जाता है इजैकुलेशन, ठीक है। और कितना सीमन रिलीज होता है, मतलब कितना सीमेन रिलीज माना जाएगा ड्यूरिंग कोइटस, तो 3 से 4 ml सीमेन रिलीज होता है। तो यानी कि ड्यूरिंग कोइटस और कॉपुलेशन मेल से लगभग 3 से 4 ml सीमेन रिलीज होता है, और उस पूरे सीमेन में जो रिलीज हुआ वजाइना में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग कोइटस, यानी कोइटस के दौरान मेल जो है वो कितने स्पर्म्स को इजैकुलेट करता है, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स को इजैकुलेट करता है, ठीक है, इनटू वजाइना। तो वजाइना में केवल स्पर्म ही नहीं आता, पूरा सीमेन ही आता है, और सीमेन का जो वॉल्यूम होता है, हमने बताया कि 3 टू 4 ml सीमेन गया, उसमें कितने स्पर्म्स होंगे, टोटल 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होंगे। अच्छा, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी ध्यान रखें, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जितना भी ये स्पर्म रिलीज हुआ है 200 से 300 मिलियन, इसका 60% स्पर्म्स नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए, एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और एटलीस्ट 40% ऑफ स्पर्म्स शुड हैव या मस्ट हैव विग्रस मोटेलिटी, मतलब स्पर्म मोटाइल होता है, तो अगर तेजी से मोटाइल नहीं होगा, जल्दी मोटाइल नहीं होगा, जल्दी से नहीं चलेगा, तो ये स्पर्म जब वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा, तब तक बहुत सारे स्पर्म मारे जाते हैं रास्ते में, मैसेकर चलता है स्पर्म का, यूट्रस के वॉल की में जो WBC हैं वो ब्लड से निकल निकल के यूट्रस के वॉल पर चिपके रहते हैं, और जैसे ही स्पर्म चढ़ता है यूट्रस के वॉल में फलोपियन ट्यूब पर जाने के लिए, तो उसको खाते रहते हैं। तो अगर आप इसको इमेजिन करिए कि लॉट ऑफ मैसेकर इज गोइंग ऑन इन यूट्रस जब स्पर्म चढ़ता है फलोपियन ट्यूब पर जाने के लिए, इसीलिए ओवम एक है, और वहां तक जाने के लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स कोशिश कर रहे हैं, तो सब नहीं पहुंच पाते, बहुत ही कम स्पर्म पहुंच पाते हैं ओवम तक, लगभग 200 से 300 स्पर्म ही 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से ही कैपेबल होते हैं वहां पहुंचने के लिए, पहुंच पाते हैं कुल मिला के, यानी बाकी स्पर्म क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं,
तो मिलियंस ऑफ स्पर्म मारे जाते हैं यूट्रस में, तो उनमें से जिसकी मोर्टेलिटी फास्ट होगी, जो ताजा जो तेजी से मोटाइल होगा, जो फास्ट चलेगा वही बचेगा। तो फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी लिखेंगे आप 60% एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स शुड हैव मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज ठीक, और 40% एटलीस्ट 40% ऑफ स्पर्म्स मस्ट हैव विग्रस मोर्टिलिटी, तेजी से मूव कर सकने वाले। तो ये हो गया इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, और इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है। डिस्चार्ज ऑफ सीमेन फ्रॉम पेनिस इज कॉल्ड इजैकुलेशन, एंड अबाउट 3 to 4 ml सीमेन इज इजैकुलेटेड ड्यूरिंग सेक्स इनटू वजाइना, एंड इट कंटेन्स अबाउट 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स, ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड 40% एटलीस्ट 40% ऑफ स्पर्म्स मस्ट हैव विग्रस मोर्टेलिटी। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आफ्टर रिलीज, आप देखिए आफ्टर रिलीज, ये आपको मालूम है फलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वजाइना है, ठीक है। अब ऐसे आप ध्यान से देखिएगा, तो यहां मान लीजिए ये इस्थमस वाला पोर्शन है और ये एम्पुला वाला पोर्शन है, तो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं दिस इज इस्थमस एंड दिस इज एम्पुला ऑफ फलोपियन ट्यूब, ठीक, और ये ओवरी है, और ये आपको मालूम है फनल है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फिम्ब्री। सो दिस इज एम्पुला, दिस इज इस्थमस, दिस इज इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम एंड दिस इज फिम्ब्री, ये आपको मालूम है, एफ मैं लिख देता हूं, दिस इज फिम्ब्री। तो जब इस सीमेन रिलीज हुआ, कहां पर रिलीज हुआ सीमेन, सीमेन रिलीज हुआ पेनिस से वजाइना में, सो दिस इज वजाइना, और इसमें से फिर सीमेन में से स्पर्म जो है वो मोटाइल है, तो ये जो स्पर्म है ये मूव करेंगे फलोपियन ट्यूब के तरफ, ठीक है, तो ये सीमेन में से स्पर्म जो है वो फलोपियन ट्यूब के तरफ मूव करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, और ये सर्विक्स से होके गुजरेंगे, तो सीमेन में से, पूरा सीमेन तो नहीं मूव करता, केवल सीमेन में जो स्पर्म है मोटाइल होते हैं, टेल होती है, और वो जल्दी जल्दी फिर वो मूव करना शुरू करते हैं फलोपियन ट्यूब की तरफ, तो सर्विक्स में आ जाएगा सीमेन और स्पर्म, और वहां से फिर वो यूट्रस में आएगा स्पर्म, और फिर वहां से वो इस्थमस में पहुंचेगा, और जब वो एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पर पहुंच जाएगा स्पर्म, ठीक है, तब तक इधर से जो सेकेंडरी ऊसाइट है ग्रेफियन फॉलिकल में से निकल करके वो फलोपियन ट्यूब में आएगी, वो भी यहां पहुंच जाएगी एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर, और दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, इसी को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये सेकेंडरी ऊसाइट है, उसी को 2 degree ऊसाइट भी कहा जाता है, सो दिस इज सेकेंडरी ऊसाइट। तो ओवम से क्या रिलीज, ओवरी से क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है, इसी को ओव्यूलेशन कहा जाता है, ठीक। तो ये 2 degree ऊसाइट जो है वो रिलीज हुआ, वो पहुंच गया एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर, और वहां फर्टिलाइजेशन हो गया। तो आप देखेंगे कि पेनिस से सीमेन रिलीज हुआ वजाइना में, सीमेन से स्पर्म मूव किया पहले सर्विक्स में, वहां से फिर वो स्पर्म पहुंचा यूट्रस में, और यूट्रस से फिर वो पहुंचा इस्थमस में, और इस्थमस से फिर ये एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर पहुंचा। सो इसको हम कहेंगे एम्पुला इस्थमस जंक्शन, ये जो जगह है जहां पर एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन है, तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन
पर पहुंच जाता है एक तरफ से स्पर्म और एक तरफ से ओवम, और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसी जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन। तो एनसीईआरटी बुक ने फर्टिलाइजेशन का साइट जो है वो लिखा है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर आप इस जो स्टैंडर्ड बुक होगी या हायर बुक्स होंगी उनको अगर आप पढ़ेंगे तो एम्पुला में कहीं भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ऐसा भी मेंशन है। तो अगर अल्टरनेट में एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन लिखा है तो वो आंसर मारिएगा, और नहीं तो अगर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ना लिखे एम्पुला लिखा है तो वो आंसर सही है। तो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो ध्यान रखेंगे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के कुछ 7-8 दिन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी अटेन हो जाती है। तो ऑल कॉपुलेशन, ऑल सेक्स, ऑल कॉपुलेशन, ध्यान रखेंगे कि हर सेक्स या कोइटस या कॉपुलेशन में जरूरी नहीं कि ओवम फर्टिलाइज ही हो जाए स्पर्म से, क्योंकि अगर मान लीजिए सेक्स हुआ, कोइटस हुआ, स्पर्म रिलीज हुआ वजाइना में, स्पर्म मूव किया फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन ओवुलेशन ही नहीं हुआ है तो कहां से ओवम मिलेगा? तो इसका मतलब कि जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे ओवुलेशन होता है और ओवम जिंदा रहता है एक दिन, लाइफ स्पान ऑफ ओवम इज 24 आवर्स, यानी जो कॉपुलेशन या फर्टिलाइजेशन अगर होता है, तो कॉपुलेशन अगर होता है, स्पर्म रिलीज होता है और ओवम के फलोपियन ट्यूब में आने के 1 डे के अंदर अगर वो पहुंच जाता है ओवम तक, उसको फर्टिलाइज कर देता है, तभी जो है वो प्रेगनेंसी अटेन होगी, ठीक है। तो मान लीजिए 14th डे ओवुलेशन हुआ तो 14th डे ही ओवम अंदर चला गया कहाँ, फलोपियन ट्यूब में, और उसी 14th डे या 15th डे जब सेक्स होगा तो स्पर्म रिलीज होगा और वो भी विद इन हाफ एन आवर या विद इन 45 मिनट्स स्पर्म भी पहुंच जाता है फलोपियन ट्यूब में आफ्टर सेक्स। तो ध्यान रखेंगे कि ओवम और स्पर्म जब तक फ्यूज नहीं करेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं माना जाएगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो ये एनसीईआरटी बुक लिखती है इस बात को कि ऑल पॉपुलेशन, जो ऑल पॉपुलेशन does not lead to fertilization and pregnancy. All population do not lead to fertilization and pregnancy. तो fertilization और pregnancy जो है वो हर population में हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म और ओवम का दोनों का एक साथ एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर पहुंचना जरूरी है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यानी स्पर्म एंड ओवम शुड बी ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एट एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ठीक है। तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर स्पर्म और ओवम का ट्रांसपोर्ट होना साथ साथ ये जरूरी है, यानी जिस समय इधर से ओवम पहुंच रहा हो उसी समय इधर से स्पर्म पहुंच रहा हो यहां पर, ठीक। तो इसका मतलब ओव्यूलेशन का टाइम और जो स्पर्म एंट्री का टाइम, मतलब पॉपुलेशन का टाइम यानी सेक्स का टाइम, वो लगभग सेम होना चाहिए। तो अगर मेल और फीमेल के बीच में जो सेक्स हो रहा है वो 14th डे या 15th डे हो रहा है तो उसमें प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन का चांस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों के एक साथ पहुंचने का चांस होता है। अब मान लीजिए
एक फीमेल है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का पांचवा दिन चल रहा है, उस दिन अगर उस फीमेल या छठवां दिन चल रहा है, सातवां दिन चल रहा है, अगर उस दिन उस फीमेल जो है वो सेक्स एक्ट में इन्वॉल्व होती है, तो उस समय जो स्पर्म जाएगा उसको तो ओवम मिलेगा ही नहीं, तो वेस्ट हो जाएगा वो स्पर्म। तो कहने का मतलब है कि हर सेक्स में प्रेगनेंसी अटेंड हो ये जरूरी नहीं है। तो यही रीजन से आगे बुक लिखता है कि ऑल पॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। उसका रीजन है क्योंकि स्पर्म एंड ओवम शुड बी ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एट एम्बुलरी स्टमक जंक्शन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड देन लेटर ऑन प्रेगनेंसी। क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद उसका इम्प्लांटेशन भी तो होना है एम्ब्रियो का यूट्रस के वॉल में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसका रीजन भी आपको बता दिया गया कि क्यों हर सेक्स से फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी संभव नहीं है, केवल उसी सेक्स में फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी संभव है जिस सेक्स में स्पर्म और ओवम दोनों के एम्बुलरी स्टमक जंक्शन पर साथ जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और ये टाइम जो होता है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिहाज से देखें तो 14th डे 13th डे, ये तो एवरेज है ना 14th डे, तो कुछ फीमेल में 13th डे ओवुलेशन हो जाएगा, कुछ फीमेल में 12th डे ओवुलेशन हो जाएगा, कुछ फीमेल में 15th डे ओवुलेशन होता है, कुछ में 16th डे होता है। तो ये वो पीरियड होता है जब फर्टिलाइजेशन के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, यानी इस दौरान सेक्स करने से ही प्रेगनेंसी अटेंड होने का चांस होता है। तो जब आप आगे वाले चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10th डे से लेकर के 17th डे के बीच में फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी का चांस सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर प्रेगनेंसी से बचना है तो अगर सेक्स करना हो और प्रेगनेंसी से बचना हो तो 10 से लेकर के 14वें दिन सेक्स से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी का चांस ज्यादा होता है, ओवम स्पर्म के पहुंचने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है, एक साथ एम्बुलरी स्टमक जंक्शन पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो एनसीईआरटी बुक ने इस चीज को समझाया हुआ है। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, ठीक है, तो जो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो उसमें स्पर्म के हेड पर आप पढ़े होंगे उसमें टॉप पर एक एक्रोसोम होता है एंजाइम से भरा हुआ बैग, और उसी से एंजाइम्स निकलते हैं और जो सेकेंडरी ओसाइट होता है, वो मतलब क्या, जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके चारों ओर जो जोना पेलिसिडा लेयर है उस और उसके चारों ओर भी जो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिनको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं उनको डिसॉल्व करते हैं वो एंजाइम्स, और साथ में ही जो जोना पेलिसिडा लेयर है उसमें उस जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ चेंजेस लाता है स्पर्म फ्यूजन के दौरान, जिससे कि और दूसरे स्पर्म की एंट्री जो है वो नहीं हो पाती है, एक ओवम में सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर कर सके, इसलिए जो पहला स्पर्म है अगर वो जोना पेलिसिडा को टच किया तो वो जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस ला देता है जिससे कि दूसरे स्पर्म की एंट्री रुक जाती है, जिसको ब्लॉकेज ऑफ पॉलीस्पर्मी कहा जाता है, यानी एक ओवम में सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है, क्योंकि ओवम के पास बहुत सारे स्पर्म पहुंचते हैं, लगभग 200 से 300 स्पर्म ओवम को घेरे रखते हैं और सब अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं कोरोना रिलेटा को गलाने की। अब जो जल्दी हो, एक तरह से ये कंपटीशन चल रहा कि कौन सा स्पर्म पहले जोना पेलिसिडा को टच करेगा, तो उन 200 स्पर्म में से जो स्पर्म सबसे पहले जोना पेलिसिडा को टच करेगा वही इंटर कर पाएगा, बाकी स्पर्म इंटर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए जो फ्यूजन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है, और ये सेकेंडरी ओसाइट के चारों ओर ये हो गया पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, याद करिए सेकेंडरी ओसाइट के साथ एक छोटी सी सेल जुड़ी रहती है, और इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है उसको जोना पेलिसिडा कहा जाता है, तो ये जोना पेलिसिडा बना देंगे, दिस इज जोना पेलिसिडा, ठीक है, और इसके चारों ओर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिनको कोरोना रेडिएटा सेल कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर निकलता है ओव्यूलेशन के दौरान, तो ग्रेफियन फॉलिकल फटती है तो केवल सेकेंडरी ओसाइट ही नहीं बाहर आती है, इसके साथ पूरा सेल का ग्रुप बाहर आता है, तो ये पूरा एक सेल थोड़ी ना है। आप देख रहे हैं पोलर बॉडी फर्स्ट भी बाहर आई, सेकेंडरी ओसाइट जो है वो भी बाहर आई, इसके बाद ये लोग ढेर सारी कोरोना रेडिएटा सेल्स देख रहे हैं ये भी बाहर आए, तो ये पूरा एज अ यूनिट बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, इस तरह से ये कोरोना रेडिएटा
कि कुछ सेल्स ये सराउंड की रहती हैं सेकेंडरी ओसाइट को, और ये चिपकी रहती हैं जोना पेल्यूसिडाल लेयर से। तो ये हमने आपको बना दिया कि ओवरी से जब ओवुलेशन होता है तो जो स्ट्रक्चर बाहर निकलता है वो यही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर निकलता है ओवरी से आफ्टर ओवुलेशन। तो अगर मान लीजिए ये ओवरी है, ठीक है, और ओवरी में आपको मालूम है कि जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ये मान लीजिए ग्रेफियन फॉलिकल है और ये रक्चर हुआ, तो रक्चर होने के बाद जो स्ट्रक्चर निकला ओव्यूलेशन से वो ये स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है, और ये मान लीजिए हमने इसको लिख दिया रक्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल, रक्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बाहर निकला इसमें आप बोलेंगे ये, क्योंकि आपको मालूम है सेकेंडरी ओसाइट अरेस्टेड रहती है, किस स्टेज में अरेस्टेड रहती है, सेकेंडरी ओसाइट अरेस्टेड रहती है मेटाफेज सेकेंड स्टेज में, ठीक है, यानी ये मेटाफेज स्टेज में अरेस्टेड रहती है। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा, क्रोमोजोम इसमें इक्वेटर पर दिखाई देंगे, ठीक है, क्रोमोजोम इसमें कहां दिखाई देंगे, इक्वेटर पर दिखाई देंगे। तो ये सेकेंडरी ओसाइट में हम न्यूक्लियस नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब मेटाफेज स्टेज में सेल डिवीजन किया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो उस समय तक गायब हो चुकी रहेगी, और क्रोमोसोम कहां पर आएंगे, इक्वेटर पर आएंगे। तो क्रोमोसोम कहीं ना कहीं यहां पर इक्वेटर पर क्रोमोसोम आपको नजर आएंगे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो कुछ एक हिंट दे दे रहे हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, क्रोमोसोम्स के ये दो आर्म्स हैं और वो इक्वेटर पर ऐसे दिखेंगे, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी ओसाइट, सो दिस इज 2 डिग्री ओसाइट, मतलब सेकेंडरी ओसाइट है ये, आपको मालूम है फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है, पोलर बॉडी फर्स्ट है ये, और ये जोना पेलोसिडा है, ये जोना पेलोसिडा है, दिस इज जोना पेलोसिडा, दिस इज जोना पेलोसिडा है, और इसके चारों तरफ जो स्पेस होता है उसको पेरिवाइटलाइन स्पेस कहा जाता है, जोना पेलोसिडा और सेकेंडरी ओसाइट के बीच में ये वाला जो स्पेस देख रहे हैं, ये जो स्पेस है ये पेरिवाइटलाइन स्पेस है, पेरिवाइटलाइन स्पेस, ठीक है, और ये चारों तरफ जो रेड वाली सेल्स आप देख रहे हो कोरोना रेडिएटा सेल, कोरोना रेडिएटा सेल, कोरोना रेडिएटा सेल्स, ठीक। अब जब स्पर्म फ्यूजन के लिए आता है, यानी जो एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, इसमें स्पर्म का जो हेड होता है, ये मान लीजिए स्पर्म का हेड है, ठीक है, केवल उतना ही पोर्शन में दिखा रहा हूं, ये नेक है, ये मिडिल पीस है, ठीक है, ये टेल है। तो आप देखेंगे कि जो स्पर्म होता है उसमें ये जो एक्रोसोम वाला पार्ट है एकदम टिप पर होता है, तो इस एक्रोसोम से, ये जो एक्रोसोम होता है इससे बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जिनको स्पर्म लाइसेंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पर्म लाइसेंस। तो स्पर्म लाइसेंस जो होते हैं वो एक एंजाइम नहीं है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स का काम होता है जो रास्ते में इस सेकेंडरी ओसाइट तक पहुंचने में जो भी लेयर्स पड़ रहे हैं उनको डिसॉल्व करना। तो इससे जो एंजाइम्स निकलते हैं स्पर्म लाइसिस में, उसमें कुछ कोरोना रेडिएटा सेल को डाइजेस्ट करेंगे, और कुछ जो स्पर्म लाइसिस में एंजाइम्स होंगे वो जोना पेलोसिडा वाले लेयर को डाइजेस्ट करेंगे, तो उसके सामने पड़ेगी, पूरा जोना पेलोसिडा नहीं डाइजेस्ट होगा, जो उस स्पर्म के सामने वाली दीवार होगी जोना पेलोसिडा की उसमें छेद कर देंगे, और उसके बाद कुछ जो है वो ये जो सेकेंडरी ओसाइट का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको जो है डिसॉल्व करेंगे, ताकि वो जा करके फिर सेकेंडरी ओसाइट में अंदर घुस सके। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिला करके मतलब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व क्या करना है, उसके साथ तो फ्यूजन हो जाना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो स्पर्म लाइसेंस होते हैं, तो स्पर्म लाइसेंस में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं जो मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं, ये तो मैंने एंट्री दिखाई है। तो एंजाइम्स यहां पर स्पर्म लाइसेंस में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक एंजाइम होता है एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है हाइलुरोनिडेज, ठीक है, हाइलुरोनिडेज हो गया,
दूसरा एंजाइम होता है जोना लाइसिन, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको CDE पढ़ते हैं, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिंग एंजाइम, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम। और तीसरा जो एंजाइम होता है वो होता है जोना लाइसिन। बस ये तीन एंजाइम कॉमनली पढ़ाए जाते हैं, ये निकलते हैं स्पर्म लाइसिन में। इसमें जो दो कोरोना रेडिएटा सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स होता है जिससे कोरोना रेडिएटा सेल आपस में चिपकी रहती है, वो हाइलुरोनिक एसिड नाम का केमिकल होता है। ये देखो दो कोरोना रेडिएटा सेल के बीच में जो केमिकल दिख रहा है, जो इसको डॉट लाइन से दिखा रहा है, तो ये जो हाइलुरोनिडेज क्या करता है, हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करता है जिससे कोरोना रेडिएटा सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाए और इस पर उनके बीच में से होकर के पहुंच जाए जोना कैलिसुला तक। तो हाइलुरोनिडेज क्या करता है, कोरोना रेडिएटा सेल्स के बीच में जो हाइलुरोनिक एसिड है उसको डिसॉल्व करता है जिससे कोरोना रेडिएटा सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाए और इस पर उनके बीच में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता जाता है। दूसरा एंजाइम होता है कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम। इसमें कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम में क्या होगा कि जो स्पर्म होता है वो जब कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज करेगा एक्रोसोम वाला हिस्से से, तो ये कोरोना रेडिएटा सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, यानी जो सेल अगर सामने में पड़ी है हट नहीं रही है तो उसको गला देगा। तो कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा सेल को डाइजेस्ट करता है। हाइलुरोनिडेज जो कोरोना रेडिएटा सेल के बीच में जो मैट्रिक्स है हाइलुरोनिक एसिड उसको डाइजेस्ट करता है जिससे कि कोरोना रेडिएटा सेल डिस्पर्स हो जाए, और जब जोना कैलिसुला पर पहुंच जाता है इस पर वहां पर उसको टच करता है तो फिर जोना लाइसिन निकाल करके उस जोना कैलिसुला को भी गला देता है। तो कुल मिलाकर के आपके आपके पास कुछ इस तरह का डायग्राम आ जाएगा कि ये स्पर्म जो है वो जा करके फ्यूज कर गया, ठीक है, इस स्पर्म जा करके फ्यूज कर गया किससे, मतलब टच कर गया जो सेकेंडरी ओसाइट की मेम्ब्रेन है उससे टच कर गया, ठीक है, और ये हो गया जोना कैलिसुला वाला लेयर, ये इतने हिस्से को स्पर्म ने डाइजेस्ट कर दिया है, और ये हो गया कोरोना रेडिएटा सेल्स, ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा सेल्स है। बाकी जगह की कोरोना रेडिएटा सेल्स तो एज इट इज रहेंगे ना भाई, क्योंकि स्पर्म जिस साइड से इंटर करेगा उसके रास्ते में आने वाली कोरोना रेडिएटा सेल को उसने क्या किया है, उसने रिमूव किया है या डाइजेस्ट किया है, तो ये ध्यान रखना है। तो आपको ये चीज समझा दी गई है, और ये जो कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं हाइलुरोनिक एसिड के डिसॉल्व होने से डिस्पर्स हो गई है, नहीं डिस्पर्स होंगी तो कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम से उसको गला दिया जाएगा। तो स्पर्म की आप देख रहे हैं अप्रोच हो गई है सेकेंडरी ओसाइट तक, ठीक है, स्पर्म की अप्रोच सेकेंडरी ओसाइट तक हो गई है और उसने टच कर दिया है सेकेंडरी ओसाइट को। तो 2 डिग्री ओसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं और स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे को टच कर लिया, और उसके बाद ये पूरा का पूरा स्पर्म इंटर कर जाता है। अब तो इसके रास्ते में कोई अड़चन नहीं है, दो अड़चन थी कोरोना रेडिएटा सेल्स और जोना कैलिसुला। और जैसे ही स्पर्म व्हेन स्पर्म टचेस द जोना कैलिसुला जब स्पर्म जोना कैलिसुला को टच करता है तो वो जोना कैलिसुला में चेंज लाता है, ठीक है ना, वो इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन। When sperm touches the Jonah pellucida, it induces change in the membrane. When Jonah pellucida membrane, it induces change in the membrane to block the entry of, as such, to block the entry of other sperms. रेस में सबसे पीछे है, तो ये पहला स्पर्म है जो टच किया था जोना कैलिसुला को और उसको डिसॉल्व करके अंदर चला गया, और जैसे ही वो जोना कैलिसुला को टच करता है जोना कैलिसुला की मेम्ब्रेन में वो कुछ ऐसा चेंज ला देता है जिससे कि अब कोई दूसरा स्पर्म इस जो नया
बदला हुआ मेम्ब्रेन हो चुका है जोना पेलोसिडा का, इसके टच करने से जो इंडक्शन हुआ है इस मेम्ब्रेन में, जो चेंज आया है इस मेम्ब्रेन में, उसको अब ये स्पर्म अगर यहाँ पहुंच भी जाए तो जोना पेलोसिडा को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब कि पहला स्पर्म जो जोना पेलोसिडा को टच करेगा वही सिर्फ डिसॉल्व कर पाएगा, क्योंकि पहला स्पर्म अपने रास्ते में पड़ने वाली जोना पेलोसिडा के हिस्से को तो डिसॉल्व कर लेगा, लेकिन वो जोना पेलोसिडा के बाकी हिस्से में इस तरह का चेंज लाएगा, इंड्यूस करेगा, इस तरह का चेंज इंड्यूस करेगा कि कोई दूसरा स्पर्म उस जोना पेलोसिडा के लेयर को अब डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इससे इंश्योर हो गया कि एक ओवम में सिर्फ एक ही स्पर्म की एंट्री होगी। ठीक है, अब यह भी चीज आपको बता दिया गया है कि जो स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है उसमें तमाम एंजाइम्स होता है जो कि स्पर्म की एंट्री को सेकेंडरी ओसाइट के साइटोप्लाज्म में फैसिलिटेट करते हैं, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई स्पर्म लाइसिन है, उसमें हाइलुरोनिडेज है, कोरोनाडाइसिंग एंजाइम है, जोना लाइसिन है, ये तीनों मिल करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्पर्म कहाँ पहुंच जाए, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर चला जाए, साइटोप्लाज्म में चला जाए। तो आप ध्यान रखेंगे, और ये इस तरह से हमने ऐसे बना दिया है, मेटाफेज स्टेज में सेकेंडरी ओसाइट अरेस्टेड है, ठीक है, ये पोलर बॉडी है, और आप लिखेंगे इंटायर स्पर्म इंटर्स इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। ये पूरा फर्टिलाइजेशन का एक्ट आपको बता दिया। तो पूरा स्पर्म, ये नहीं कि केवल हेड ही इसका इंटर करता है, इंटायर स्पर्म इंटर करता है, स्पर्म इंटर्स इनटू सेकेंडरी ओसाइट, इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। तो पूरा का पूरा स्पर्म जो है वो सेकेंडरी ओसाइट के साइटोप्लाज्म में इंटर करता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही आपको पहले भी बताया जा चुका है ओजेनेसिस में, जब स्पर्म इंटर कर जाता है सेकेंडरी ओसाइट के साइटोप्लाज्म में, तब सेकेंडरी ओसाइट में जो मियोसिस सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है, और फिर सेकेंडरी ओसाइट मैच्योर ओवम में कन्वर्ट हो जाती है, और आप कह सकते हैं जो और सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ठीक, तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, जब एंट्री कर गया तो कौन सी स्थिति बनती है आप याद रखिए, यही तो था कि स्पर्म अंदर चला गया, इसका केवल न्यूक्लियस दिखाई देता है, बाकी चीजें स्पर्म की डिसॉल्व नष्ट हो जाती है, हेड खत्म, नेक खत्म, मिडिल पीस खत्म, टेल खत्म, केवल स्पर्म का न्यूक्लियस दिखाई देता है, स्पर्म न्यूक्लियस दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो मेटाफेज स्टेज में जो सेल अरेस्टेड है, अब ये इसमें फिर से एक न्यूक्लियस बन जाएगा, और इससे एक और नई सेल बन जाएगी जिसको सेकंड पोलर बॉडी कहेंगे। तो ये तो फर्स्ट पोलर बॉडी थी, और इसमें एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी इस सेल के डिवीजन से, और इस सेल का अपना खुद का एक न्यूक्लियस बन जाएगा, ये स्थिति बन जाएगी, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस ऑफ ओवम, न्यूक्लियस ऑफ ओवम, ये मैच्योर ओवम है। इन सबको इमैच्योर ओवम कहेंगे क्योंकि इनमें अभी अपना न्यूक्लियस नहीं आया था, तो अब जाकर के न्यूक्लियस आ गया लेकिन स्पर्म की एंट्री के बाद, तो वही इसी को बोलते हैं मैच्योर ओवम। तो आप याद रखिए ओजेनेसिस में हमने बताया था कि जब स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में तब ओजेनेसिस कंप्लीट होता है, यानी आपको एक ऐसी स्टेज मिलेगी सेल की जिसमें एक स्पर्म का न्यूक्लियस दिखेगा, उसको मेल प्रो न्यूक्लियस कहेंगे, ओवम का न्यूक्लियस दिखेगा जिसको फीमेल प्रो न्यूक्लियस कहेंगे, और ये दो पोलर बॉडी चिपके हुए दिखेंगे, हो सकता है फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड कर जाए तो तीन पोलर बॉडी दिखेंगे, लेकिन बाद में दोनों पोलर बॉडी डिजनरेट कर जाते हैं, सिर्फ यही एक सेल बचती है मैच्योर ओवम जिसके अंदर आपको दो दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, और थोड़े देर बाद ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं और जायगोट बन जाता है। तो आपको ये मालूम है कि ये जो मैच्योर ओवम है, जो आपको ये मैच्योर ओवम दिखा विद टू न्यूक्लियस, इसमें जो दो न्यूक्लियस है उसमें एक न्यूक्लियस स्पर्म का न्यूक्लियस है और दूसरा न्यूक्लियस जो सेकेंडरी ओसाइट डिवाइड हुई है उसके वजह से एक न्यूक्लियस आया है। ठीक है, और यही फिर मैच्योर ओवम जिसमें दो न्यूक्लियस है इनका फ्यूजन होगा और इससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसी से फिर जायगोट बन जाता है, जायगोट बन जाता है, पूरा मैच्योर ओवम किसमें चेंज हो गया, जायगोट में, और ये जो साइटोप्लाज्म आया है
ये साइटोप्लाज्म मेनली ओवम का साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म इज मेनली प्रोवाइडेड बाय ओवम। स्पर्म तो केवल न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है, स्पर्म में साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है। तो मेनली प्रोवाइडेड बाय ओवम, प्रोवाइडेड बाय ओवम, ठीक है। और स्पर्म अपना सेंट्रियोल भी देता है। आपको याद करिए स्पर्म के हेड के पीछे दो नेक था और उसमें दो सेंट्रियोल था। पीछे वाले सेंट्रियोल से तो ये एक्सियल फिलामेंट निकलता है, आगे वाला सेंट्रियोल भी दे दिया जाता है। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है जिसको मैं पीसी लिख रहा हूँ, इसको भी ओवम को दे दिया जाता है और वो जायगोट के क्लीवेज में हेल्प करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और जो प्लॉयडी होती है, मतलब जायगोट का प्लॉयडी क्या होगा, हैप्लॉयड होगा कि डिप्लॉयड, जाहिर सी बात है डिप्लॉयड होगा। ये जो ओवम है आप देखिए इस न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम होंगे और स्पर्म के न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ये स्पर्म का न्यूक्लियस है और ये ओवम का जो न्यूक्लियस बनने वाला है अभी बनेगा, तो टोटल इसमें क्रोमोसोम गिनेंगे तो कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स। तो ध्यान रखेंगे ओवम में खुद के न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम होता है, यानी n = 23, और स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी n = 23 क्रोमोसोम होगा, यानी स्पर्म भी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ओवम भी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, क्योंकि उनके न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी होती है। अब जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो 23 आपस में मिलेंगे, n आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो अब जो जायगोट का जो न्यूक्लियस होगा उसमें 2n = 46 क्रोमोसोम होंगे। तो जायगोट कैसा स्ट्रक्चर है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। तो जायगोट की प्लॉयडी क्या होगी, डिप्लॉयड, और जो स्पर्म और ओवम की प्लॉयडी है वो हैप्लॉयड। तो स्पर्म और ओवम जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, इसमें क्रोमोसोम जो है वो अनपेयर्ड होता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों में ही क्रोमोसोम n = 23 होगा। देखिए फर्टिलाइजेशन जब होता है तो सेक्स का डिटर्मिनेशन भी उसी समय हो जाता है। तो एनसीईआरटी बुक में सेक्स के डिटर्मिनेशन के बारे में भी बताया गया है कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और बेबी का सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब बेबी जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसके लिए भी जिम्मेदार मेल ही होते हैं। तो आइए उसको समझते हैं कैसे। देखिए जो मेल होते हैं और जो फीमेल होती हैं उनमें जो क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट होता है, इनका जो सेक्स क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट होता है वो XY होता है, और फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट होता है वो XX होता है। यानी एक फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन करने में रोल प्ले करते हैं। तो मेल जब स्पर्म बनाएगा, मेल जब स्पर्म बनाएगा तो दो तरह के स्पर्म्स बनाएगा। कुछ स्पर्म्स होंगे जिसमें एक्स सेक्स क्रोमोसोम होगा और कुछ स्पर्म्स होंगे जिसमें वाई सेक्स क्रोमोसोम होगा। यानी 50% स्पर्म ऐसे होंगे जो एक्स क्रोमोसोम कंटेन करेंगे और 50% स्पर्म ऐसे होंगे जो वाई क्रोमोसोम कंटेन करेंगे। याद रखिए जो मेल होते हैं उनमें जो टोटल क्रोमोसोम होगा आपको मालूम है 2n = 46 होता है। तो यहां पर जो 2n = ये हो जाएगा 22 पेयर, या 46 कहिए या 23 पेयर कहिए, बात एक ही है। तो मेल का जो क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट होगा वो 22 पेयर यानी 44, इसको आप 44 भी कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि मेल में 44 प्लस XY होते हैं क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट। ये ऑटोसोम्स है, ये एलोसोम्स है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। तो जब मियोसिस होगा तभी ना बनेगा गैमेट, तभी ना स्पर्म बनेगा, तो इनके आधे क्रोमोसोम जाएंगे। तो 44 का आधा क्या हो गया, 22। तो ये हो गया n = इसमें 22 हो गया प्लस एक एक्स आ जाएगा, एक्स आएगा चाहे वाई आएगा, तो ये n = हो गया 22 प्लस वाई हो गया इसमें। तो इस क्रोमोसोम इस स्पर्म में जो क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट हो गया वो 22 प्लस एक्स हो गया 50% में, और 50% में क्या हो गया 22 प्लस वाई हो गया क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट। उसी तरह से फीमेल में जो क्रोमोसोम होगा वो 44 प्लस XX होगा, ठीक, क्योंकि फीमेल में भी 2n = 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 46 मतलब 23 पेयर्स, और उसमें 46 में से 44 जो होंगे वो ऑटोसोम्स होंगे और दो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होंगे XX, वही हमने लिखा है 44 प्लस XX। और ये फीमेल का क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट हो गया, और फीमेल जो है वो जब उसमें मियोसिस होगा तो एक ही तरह का ओवम बनेगा, ठीक,
ठीक है, जितने भी वो बनेंगे एक ही तरह के बनेंगे, और उसमें आधा आएगा n is equal to 22 plus x, y तो है ही नहीं है फीमेल में, तो फीमेल कभी y जब देगी नहीं और मेल y भी देगा x भी देगा, तो फीमेल के ओवम में हमेशा x क्रोमोसोम ही होगा, तो वो तो मेल है ना, कि अगर उसमें y क्रोमोसोम मेल का गया ओवम के साथ फ्यूज हुआ, फर्टिलाइज किया ओवम को, तो जो जायगोट बनेगा उसमें एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, और उस जायगोट से मेल बेबी पैदा होगा, ठीक है, मेल, और अगर इसी ओवम से ये वाला स्पर्म फ्यूज होता है तो जो जायगोट बनेगा वो एक्स एक्स जायगोट बनेगा, ठीक, और उससे फीमेल बेबी पैदा होगी, तो मेल और फीमेल बेबी जो है वो पैदा किसके वजह से हो रही है, मेल के वजह से हो रही है, क्योंकि मेल जब एक्स स्पर्म फ्यूज कराएगा, क्योंकि मेल ही तो सीमेन रिलीज कर रहा है वजाना में, वही तो स्पर्म रिलीज कर रहा है वजाना में, तो उसमें से जो स्पर्म पहुंचा फीमेल के पास तो एक ही ऑप्शन है एक्स, अब वो तो मेल का जो स्पर्म कौन सा जा रहा है, मान लो उसके उसमें एक्स स्पर्म कम बन रहे हैं, वाई स्पर्म ज्यादा बन रहे हैं, वाई स्पर्म ज्यादा बन रहे हैं, एक्स स्पर्म कम बन रहे हैं, या डिफेक्टिव स्पर्म जो है वो वाई वाले ज्यादा है, एक्स वाले डिफेक्टिव स्पर्म नहीं है, या एक्स वाले ज्यादा डिफेक्टिव है, मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट वो मेल ही होगा ना जो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा वाला स्पर्म, वो स्पर्म डिसाइड कर रहा है कि बेबी मेल होगा कि फीमेल, वो हम नहीं डिसाइड कर रहा, वो हम तो हमेशा एक्स है उसके पास। तो यहाँ जो दो चीजें एनसीईआरटी बुक ने लिखी है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बहुत सारे हकीम वैद्य जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं बताते हैं कि आइए हम जो है प्रेगनेंसी है उसको हम लड़के में कन्वर्ट कर दें दवाई से, तो दवाई वाई से कुछ नहीं होता, ये हो चुका है फ्यूजन के समय डिसाइड हो गया है कि वो लड़का होना है कि लड़की होना है, ठीक है, और उसके लिए मेल जिम्मेदार है, फीमेल को कभी ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए कि ये इसके वजह से लड़की पैदा हो रही है, सब पुराने पुराने जमाने जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो ये सब कहानियां सुनने को आती थी कि इस तरह से लोग ताने मारते थे फीमेल्स को, ऐसा कुछ नहीं, फालतू चीजें हैं सब ये, और लड़का लड़की क्या होता है, सब तो सेम होते हैं, लड़कियां और लड़के सब बराबर हैं, तो इसलिए ये दकियानुसी जो खासकर जो वेस्टर्न यूपी में और हरियाणा में वहाँ सब ज़्यादा आप देखेंगे पुराने, अभी आगे चल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि एम्नियोसेंटेसिस करा करा करके लोग फीमेल फिटस को मार डालते थे, लड़कियां पैदा नहीं होने देते थे क्योंकि कुप्रथा थी एक कि लड़कियों को मारा जाना है, ठीक है, लड़के ही अच्छे होते हैं, इस तरह से वंश वही आगे बढ़ाते हैं, ये मूर्खता फुलिशनेस इसको कहा जाता है, तो वो सब चीज़ें अब तो खत्म हो गई समाज से, अब तो अब धीरे धीरे वो चीज़ें भी एलिमिनेट हो गई, बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेल इज रिस्पॉन्सिबल तब भी था हमेशा रहेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी बुक ने क्या लिखा है कि सेक्स इज डिटरमाइंड, क्योंकि ये फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन ही तो हो रहा है, तो सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो सेक्स का डिटर्मिनेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के समय होता है, ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब लड़का होगा या लड़की होगी इसके लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसी के पास मेल बनाने वाला स्पर्म है, उसी के पास फीमेल बनाने वाला स्पर्म है, फीमेल के पास तो केवल फीमेल बनाने वाला ही स्पर्म है, वो शुरू तो मेल का कौन सा स्पर्म जाके फ्यूज करेगा इससे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, ये बात आपको समझ में आ गई, तो ये जो जायगोट बनेगा, जायगोट में आप देख रहे हैं एन एन जब फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, 2n = 44 प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक, और इसके पास हो जाएगा एन एन ये फ्यूज करेगा तो 2n = हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक, यानी जायगोट के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर होंगे क्रोमोसोम्स, जोड़ लीजिए 44 45 46 यानी 23 पेयर, तो कोई भी जायगोट होगा उसके पास 23 पेयर क्रोमोसोम्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब जब ये जायगोट बन जाता है तो जायगोट बनने के बाद ये चीज भी आपको स्पष्ट रखनी है कि इसमें क्लीवेज शुरू हो जाता है, जायगोट में डिवीजन शुरू हो जाता है,
और उससे फिर एम्ब्रियो बनता है। हालांकि जायगोट को भी वन सेल एम्ब्रियो कहा जाता है टेक्निकली। अब जब जायगोट बन जाता है तब उसमें माइटोटिक डिवीजन शुरू होता है, और ये माइटोटिक डिवीजन कुछ स्पेशल टाइप का होता है जिसको क्लीवेज कहा जाता है। और जायगोट चूंकि सिंगल सेल है तो उसमें जब माइटोसिस होगा, स्पेशल माइटोसिस होगा जिसको क्लीवेज कहेंगे, तो उससे सेल्स का नंबर बढ़ेगा। पहले जायगोट से दो सेल बनेगी, दो से फिर चार सेल बनेगी, चार से फिर आठ सेल बनेगी, आठ से फिर 16 सेल बनेगी, और ऐसे ही फिर सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये इसको कहा जाता है डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। तो जायगोट में क्लीवेज से क्या होता है, डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बनते हैं, और ये स्टेजेस 2 सेल्ड होते हैं, 4 सेल्ड होते हैं, 8 सेल्ड होते हैं, 16 सेल्ड होते हैं, एंड फर्दर ऑन सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जायगोट बना कहां पर था? जायगोट बना था एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर, ठीक, जहां पर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ था। जायगोट उसी जगह बनेगा ना, और बनने के बाद जायगोट वहां रुका नहीं रहता, वो धीरे धीरे खिसकता रहता है ओविडक्ट के अंदर किधर, यूट्रस की तरफ, और उसमें क्लीवेज भी होता रहता है। तो जायगोट में मूवमेंट भी हो रहा है और उसके अंदर क्लीवेज भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ साथ एम्ब्रियो का मूवमेंट भी हो रहा है यूट्रस की तरफ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या कहा कि जो जायगोट होता है इसमें क्लीवेज होता है, स्पेशल माइटोसिस होती है, और इसमें एक सेल से दो सेल बनता है, दो सेल से चार सेल बनता है। ये सिर्फ एक मॉडल डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है समझाने के लिए। उसके बाद चार सेल से फिर ऐसे ही आठ सेल आप बना देंगे, आठ सेल स्टेज आती है, ठीक है, और उसके बाद फिर 16 सेल स्टेज आता है। तो ऐसे तमाम आपको स्टेजेस मिलेंगे और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज कहे जाएंगे। तो इसमें जो मान लीजिए ये 2 सेल स्टेज है, ठीक है, ये 4 सेल स्टेज है जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, ये 8 सेल स्टेज है एम्ब्रियो का, ये 16 सेल स्टेज है, सेल स्टेज है। तो जो 8 सेल स्टेज है और जो 16 सेल स्टेज होता है, इन दोनों स्टेज को ही मारुला स्टेज कहा जाता है, यानी इनको मारुला स्टेज कहा जाता है। तो मारुला स्टेज क्या होते हैं, 8 टू 16 सेल स्टेज को मारुला स्टेज कहा जाता है, एम्ब्रियो का एक स्टेज होता है। और फिर इसी मारुला स्टेज से फिर ब्लास्टुला स्टेज बनता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टुला स्टेज थोड़ा सा आपको कैरेक्टराइज वे में बनाना पड़ेगा, इसमें एक सेल की लेयर आपको बाहर दिखानी है जिसको कि ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। एक्चुअली जो जायगोट के डिवीजन से जो सेल बनती है उनको ब्लास्टोमियर कहा जाता है, और इसमें ब्लास्टोमियर का एक लेयर बाहर की तरफ अरेंज रहता है जिनको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट याद रखिए क्या होता है, अ सिंगल लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर टुवर्ड्स आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो ट्रोफोब्लास्ट से चिपकी रहती हैं किसी एक तरफ, किसी एक पोल के तरफ। एक गोला बना दीजिए, उसकी सबसे बाहर वाली लेयर सिंगल लेयर कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया इनर सेल मास। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो ब्लू कलर से सेल्स बनी है उनको इनर सेल मास लिख दीजिए। ये जो स्टेज है ये मारुला स्टेज से बनता है 16 सेल के बाद। अब आगे जो भी चीज बनेगी, हो सकता है इसमें 200 सेल हो, मतलब ये नहीं सोचिए कि 16 सेल के बाद जो 32 सेल हो गया वही सीधे अब वही ये इसी को ब्लास्टुला कहेंगे, नहीं, ये ब्लास्टुला स्टेज है। ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया है ये ब्लास्टुला स्टेज है, और इसी और ह्यूमन की जो ब्लास्टुला स्टेज होती है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, एनसीईआरटी बुक इसको ब्लास्टोसिस्ट लिखता है। तो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट एक ही चीज है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ब्लास्टोसिस्ट है। तो ब्लास्टोसिस्ट में दो चीजें होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट बाहर की तरफ और अंदर की तरफ इनर सेल, और उसके से अंदर में इनर सेल मास, और ये कैविटी दिखती है, ये कैविटी दिखती है, ध्यान रखिएगा। और इस कैविटी को कहते क्या है, इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं इसको, ब्लास्टोसील। तो ध्यान रखें कि ये जो कैविटी है दिस इज ब्लास्टोसील, यानी ब्लास्टुला स्टेज में जो कैविटी होती है उसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। तो ये हो गया ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर। एक चीज और ध्यान रखेंगे जो मैं बता चुका हूं कि
ये जो जायगोट में क्लीवेज होता है, तो जो तमाम सेल्स आपको दिख रही है, अलग अलग ये सेल्स दिख रही है इसमें, ये जो भी सेल्स आपको दिख रही है, इन सबको ब्लास्टोमियर कहा जाता है। तो ब्लास्टोमियर क्या होती है? दीज आर द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस या फॉर्म्ड ड्यूरिंग माइटोसिस और क्लीवेज। तो जायगोट जो चेंज होता है डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, वो माइटोसिस से चेंज होता है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। लेकिन ये माइटोसिस नॉर्मल माइटोसिस से थोड़ा अलग होता है, ये स्पेशल माइटोसिस होता है, उसी को कहा जाता है क्लीवेज। क्या कहेंगे? क्लीवेज। ठीक है, तो क्लीवेज हो गया, ध्यान रखेंगे। तो स्पेशल माइटोसिस या क्लीवेज होता है, तब जायगोट से फाइनली ये ब्लास्टुला बनता है। याद रखें कि जायगोट जब ये ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है, तो वो तब तक मूव करके कहां पहुंच जाता है? यूट्रस में। यानी कि आप देखेंगे जो यूट्रस, ये इस्थमस, ये यूट्रस है, तो ये जायगोट में क्लीवेज हो रहा है। और देखिए जायगोट आगे बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं जायगोट आगे बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद जब वो लगभग मालुला स्टेज में आ जाता है, तो मालुला स्टेज ही यूट्रस में पहुंचता है। तो मालुला स्टेज रीचेस द यूट्रस, रीचेस द यूट्रस, रीचेस द यूट्रस लगभग ये समझिए 5 days में, इन 5 days। यानी जायगोट से मालुला बनने में लगभग 5 दिन लगते हैं, ये 5 दिन लगते हैं। और तब तक जायगोट कहां पहुंच जाता है? इस्थमस से यूट्रस में पहुंच जाता है। ये मान लीजिए इस्थमस वाला पार्ट है, ठीक है, इस्थमस वाला पार्ट है। और आप पढ़े होंगे एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर ही फर्टिलाइजेशन हुआ था और वही जायगोट बना था, और धीरे धीरे उसमें क्लीवेज हुआ और जायगोट आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे सरकते हुए। और जब मालुला स्टेज जायगोट बनाता है, तब तक वो कहां पहुंच जाता है? यूट्रस में। और यूट्रस में फिर जब मालुला स्टेज पहुंचता है, तो वहां 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर यानी 5वें दिन अगर यूट्रस में पहुंचा है, तो यूट्रस में ही 2 दिन के अंदर वो ब्लास्टुला स्टेज में चेंज हो जाता है। ये हो गया ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। और ये इनर सेल मास, बाहर ट्रोफोब्लास्ट दिखा दिया, अंदर इनर सेल मास दिखा दिया, ठीक है। तो यही वो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। अब देखिए ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये इनर सेल मास जो इसके अंदर है, वो एम्ब्रियो में चेंज होगा, ध्यान रखेंगे। ये ट्रोफोब्लास्ट जो आप देख रहे हैं ना, आगे चलकर के प्लेसेंटा बनाने में हिस्सा लेगा, लेकिन अंदर जो इनर सेल मास है, इससे एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो पहले ये ब्लास्टोसिस्ट जो यूट्रस की दीवार है, इसके साथ ये अटैच होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट इज फर्स्ट अटैच्ड टू द वॉल ऑफ यूट्रस। और ये जो यूट्रस की वॉल होती है, ये वाली सबसे अंदर वाली, इसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम से अटैच होता है, ठीक। और ये इधर अटैच होता है, और इस और ये इनर सेल मास है, वो फिर एम्ब्रियो में चेंज होता है। और आफ्टर अटैचमेंट, जैसे मान लीजिए अगला जो डायग्राम हम यहां दिखाना चाहेंगे, इसका एक पोर्शन मैं दिखा दूं कि ये ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो गया, ये हमारे ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया एंडोमेट्रियम की दीवार से। उसके बाद ये एंडोमेट्रियम की दीवार इसको चारों तरफ से घेर लेगी, एंडोमेट्रियम की दीवार इसको चारों तरफ से घेर लेगी, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम की वॉल है, तो ये अटैचमेंट हो गया। और अटैचमेंट होने के बाद एंडोमेट्रियम की दीवार इसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेती है बढ़ करके, जिससे कि ये पूरी तरह से एंडोमेट्रियम की दीवार में सिंक हो जाता है, ऐसे चारों तरफ से घेर लेगी। और एक समय आएगा कि ये पूरा का पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है, वो अंदर एंडोमेट्रियम में गुम हो जाएगा। मतलब ये एंडोमेट्रियम इस पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर ले लेगी। तो अब आपको बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगा, मतलब यूट्रस की कैविटी से अगर आप देखेंगे यहां से, तो आपको केवल हर तरफ एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम नजर आएगी। और ये तो अंदर चला गया, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब सीधा सीधा है, जो ब्लास्टुला स्टेज है यानी जो ब्लास्टोसिस्ट है, वो यूट्रस के दीवार में यानी एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होकर के पूरा अंदर तक धंस जाए,
इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन जो है बिकम, उसमें क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियल सेल्स हर तरफ से ग्रो करके उस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है। और इसी इम्प्लांटेशन के बाद जो है प्रेगनेंसी होती है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, अगर मान लो ये मरूला स्टेज से ब्लास्टुला स्टेज बना और ब्लास्टुला स्टेज चिपक नहीं पाया और वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के रास्ते बाहर आ गया, तो प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या जरूरी है, इम्प्लांटेशन, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी यानी फीटस ग्रो करना शुरू करता है। तो ध्यान रखेंगे जो इनर सेल मास है इससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और ट्रोफोब्लास्ट से आगे चल के क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है, जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे अभी। तो आप ये देख रहे हैं कि इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ, इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम की दीवार से अटैच हो जाएगा, फिर एंडोमेट्रियम उसको की सेल्स उसको चारों तरफ से कवरअप कर लेंगे और अपने अंदर ले लेंगे, पूरी तरह से अंदर धंस जाएगा ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में, और इसी को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और जो इम्प्लांटेशन होता है इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। अब देखिए जो कोरियोनिक विलाई होता है वो बनता है ट्रोफोब्लास्ट से, कोरियोनिक विलाई आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जो कि यूट्राइन टिश्यू में धंस जाते हैं, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो मदर की जो यूट्रस वॉल है, मदर मतलब जिस फीमेल में प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है उसकी जो यूट्रस की वॉल है मतलब जो एंडोमेट्रियम है उसमें जो ब्लड से भरे हुए पाउचेस होते हैं जिनको ब्लड साइनस कहते हैं, उसमें कोरियोनिक विलाई घुस जाता है कुछ ऐसे। मान लीजिए ये ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक, और ट्रोफोब्लास्ट लेयर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये मैं समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं, ये निकल आते हैं, ठीक, और ये मान लीजिए ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ऐसे हमने बना दिया है, और ये इनर सेल मास जो आप देख रहे हैं, ये जो इनर सेल मास है और वो तीन टिश्यू लेयर्स में चेंज हो जाता है, इनर सेल मास है वो तीन टिश्यू लेयर में चेंज हो जाता है। ये एक टिश्यू लेयर एक्टोडर्म होता है, दूसरा जो है मेसोडर्म होता है, और तीसरा जो है वो एंडोडर्म होता है। तो ये जो तीन टिश्यू लेयर आपको दिख रहे हैं, टिश्यू के जो तीन लेयर्स दिख रहे हैं, इसमें सबसे पहले एक्टोडर्म बनता है, ठीक है, सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ, और सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म बनता है। तो एक्टोडर्म एंडोडर्म ये अंदर बाहर बन गए, और बाद में बीच में मिडिल में बन जाता है मेसोडर्म। तो मेसोडर्म बीच में आता है लेकिन उससे पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन जाता है। ये जो तीन टिश्यू लेयर्स हैं, थ्री टिश्यू लेयर्स, ठीक है, ऑफ एम्ब्रियो, सबसे पहले ये तीन टिश्यू लेयर बनते हैं एम्ब्रियो के। तो थ्री टिश्यू लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो ये पहले बनते हैं फ्रॉम इनर सेल मास, इनर सेल मास, जैसा कि हमने बहुत बताया कि इनर सेल मास से ही एम्ब्रियो बनता है, गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो, इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो, और जो इनर सेल मास है उसमें एम्ब्रियो जब बन रहा होता है तो उसमें सबसे पहले जो इनर सेल मास की सेल्स होती हैं उनसे थ्री टिश्यूज बनते हैं, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, और बीच में मेसोडर्म, ठीक है, ये बना लिया आपने। अब इसके बाद ये तो इधर चल रहा होता है, उससे पहले ये आफ्टर इम्प्लांटेशन ये जो कोरियोन आप देखिए, ये जो आप ट्रोफोब्लास्ट लेयर देख रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट, इस ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलता है जो एंडोमेट्रियम है उसके टिश्यूज के बीच बीच में, पूरा एंडोमेट्रियम है बेटा, ये पूरा एंडोमेट्रियम में धंसा हुआ है, ये दिस इज एंडोमेट्रियम, पूरा ये एंडोमेट्रियम है, और ब्लास्टो जो ब्लास्टोसिस्ट अंदर धंसा हुआ है। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है ये मदर के एंडोमेट्रियम में जो ब्लड से भरे हुए पाउचेस होते हैं जिनको ब्लड साइनस कहते हैं, इसमें ब्लड भरा हुआ है, इसके अंदर ये फिंगर जैसा प्रोजेक्शन घुसा रहता है, तो इनको हम ब्लड साइनस लिख सकते हैं, ब्लड साइनसेस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और ये यूट्राइन टिश्यू है, ब्लड भी क्या है, टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, पढ़े हैं आप। तो कोरियोनिक विलाई जो यूट्राइन टिश्यू है उसके साथ क्लोज एसोसिएशन दिखाता है, और बाकी जो सेल्स हैं वो ये हैं एंडोमेट्रियम की,
सेल से बात हो, ये एंडोमेट्रियम टिश्यू है। तो आप देख रहे हैं कोरियोनिक विलाई और जो एंडोमेट्रियम टिश्यू है वो इंटरडिजिटेशंस दिखाते हैं। जैसे कोरियोनिक विलाई, ये तो दो कोरियोनिक विलाई के बीच में एंडोमेट्रियम भी घुसा हुआ है, दो कोरियोनिक विलाई के बीच में एंडोमेट्रियम भी घुसा हुआ है। तो इधर से कोरियोनिक विलाई और उधर से एंडोमेट्रियम, ये देखो कोरियोनिक विलाई और ये एंडोमेट्रियम, ये कोरियोनिक विलाई और ये एंडोमेट्रियम, तो इंटरडिजिटेशंस बन गए। क्या बन गया? इंटर, इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। दो डिजिट्स के बीच में एक और डिजिट आ गई, ये दो डिजिट इस हाथ की है, ये डिजिट इस हाथ की है। तो उसी तरह से कोरियोनिक विलाई इधर से है और एंडोमेट्रियम इधर से, कोरियोनिक विलाई इधर से, एंडोमेट्रियम इधर से, तो उसको इंटरडिजिटेशन कहते हैं। तो एनसीईआरटी बुक ये लिखती है कि कोरियोनिक विलाई एंड एंडोमेट्रियम और यूट्राइन टिश्यू फॉर इंटरडिजिटेशन, ठीक है, टू बिल्ड अप अ क्लोज एसोसिएशन, एक क्लोज एसोसिएशन बिल्डअप करते हैं और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप कि प्लेसेंटा क्या होता है, कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, आप फिर से सुन लीजिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड बाय इंटरडिजिटेशंस बिटवीन कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू। यूटेराइन टिश्यू मतलब कौन सा टिश्यू? एंडोमेट्रियम, ठीक है ना, यूटेराइन टिश्यू। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स आर फॉर्म्ड, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज फॉर्म्ड बाय इंटरडिजिटेशन बिटवीन कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू। कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू के बीच में जो इंटरडिजिटेशंस बनते हैं उससे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का निर्माण होता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, इसी को प्लेसेंटा कहा जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या हो बनता है? प्लेसेंटा बनता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये पोर्शन क्या है? प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा है। ऐसे और भी जगह बनेगा, इधर भी बना दीजिए, इधर भी ऐसे बना दीजिए, तो यूनिट, एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई, ऐसे इधर भी बना दीजिए, हर तरफ बनेगा बेटा, ये समझ में आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो इंटरडिजिटेशंस बन रहे हैं कोरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियल टिश्यू के बीच में, ये कई तरफ बनते हैं, पूरी तो पूरी है ना ट्रोफोब्लास्ट, इधर कोरियोनिक विलाई, इधर कोरियोनिक विलाई, इधर कोरियोनिक विलाई, इधर एंडोमेट्रियल टिश्यू दिख रहा है, इधर एंडोमेट्रियल, हर तरफ तो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, तो ये भी तो प्लेसेंटा, इसी को बोलते हैं ये प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा ऐसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, अब आपको समझ में आ गया। तो प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा में फिटल टिश्यू यानी एम्ब्रियो का भी टिश्यू हिस्सा लेता है और मदर का भी टिश्यू हिस्सा लेता है, तो ये जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। बच्चे की तरफ से जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो हिस्सा ले रहा है, एम्ब्रियोनिक मतलब जो फिटल पार्ट जो हिस्सा ले रहा है, वो है कोरियोनिक विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो आप इसको लिख देंगे, ये कोरियोनिक विलाई लिख दीजिए, जो कि हम यहाँ लिख नहीं पाए, उसको लिखना बहुत जरूरी है। ये कोरियोनिक विलाई, मैं इधर लिख देता हूँ, ये कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, ठीक है, और ये यूट्राइन टिश्यू है, और ये यूट्राइन टिश्यू में जो ब्लड साइनस है, तो कोरियोनिक विलाई किसमें डिपेंड करता है? ब्लड साइनस में। और आपको मालूम है कि अगर इसी को हम थोड़ा सा बड़ा व्यू दे दे यहाँ पर, तो समझ में और ज्यादा क्लियर रहेगा। ये मान लीजिए कोरियोनिक विलाई है, ठीक है, कोरियोनिक विलाई है, और ये मान लीजिए मदर का जो ब्लड वेसल है, ठीक है, मदर का ये ब्लड साइनस है, ब्लड वेसल क्या, ब्लड साइनस है, तो ये मैटरनल ब्लड है, इसके अंदर मैटरनल ब्लड है, ठीक है, और ये जो आप कोरियोनिक विलाई देख रहे हैं, कोरियोनिक विलाई आप देख रहे हैं, ये उसकी वॉल है, उसकी सेल्स है, ठीक है, प्लेसेंटा का आपको स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, तो इसको आप कोरियोनिक विलाई कह दीजिए, कोरियोनिक विलाई, ये ब्लड साइनस हो गया, ब्लड साइनस जिसमें कि मदर का ब्लड है,
मदर का ब्लड है और ये इंडोमेट्रियल टिश्यू है, इंडोमेट्रियल टिश्यू आप देखिए, ये पूरा इंडोमेट्रियल टिश्यू है, ये भी मदर का ही टिश्यू है, यूट्राइन टिश्यू ही है, उसको ब्लड भरा है बस। और आप देख रहे हैं कि सीधे इसमें ब्लड है, सॉरी इसमें ब्लड है, तो आप देख रहे हैं कि जो कोरियोनिक बिलाई है वो सीधे मदर के ब्लड में डूबा हुआ है और ऐसे प्लेसेंटा को जिसमें कोरियोन सीधे ब्लड में डूबा रहता है इसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोलते हैं, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीम मतलब ब्लड, कोरियल मतलब कोरियोन, यानी जब कोरियोन सीधे ब्लड में घुसा हो मदर के उसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो ह्यूमन में कैसा कैसा प्लेसेंटा होता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। और ये जो ब्लड वेसल अंदर दिखा रहे हैं ये बच्चे की तरफ से आ रही है ब्लड वेसल, वो इम्प्योर, और ये कैपिलरीज है, ठीक है, ये कैपिलरीज है, ऐसे कैपिलरी बना रही है, ठीक है। तो मान लो बच्चे की तरफ से एस्क्रेटरी सब्सटेंस और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है, तो बच्चे की तरफ से जो एस्क्रेटरी सब्सटेंस और कार्बन डाइऑक्साइड वो मदर के ब्लड में छोड़ दिया जाता है, यानी CO2 छोड़ दिया जाता है, एस्क्रेटरी सब्सटेंस EXS निकला छोड़ दिया जाता है, और मदर के ब्लड से क्या लिया जाता है, ऑक्सीजन ले लिया जाता है, मदर के ब्लड से क्या ले लिया जाता है, न्यूट्रिएंट मतलब N ले लिया जाता है। तो मदर के ब्लड से O2 लेना, मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट लेना, मदर के ब्लड में CO2 छोड़ना, मदर के ब्लड में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस छोड़ना, ये किसके जरिए हो रहा है, प्लेसेंटा के जरिए हो रहा है। तो प्लेसेंटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट, यानी न्यूट्रिएंट लिया, एक्सक्रीटरी मटेरियल दिया, O2 लिया, CO2 दिया, ये चल रहा होता है प्लेसेंटा के जरिए। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि प्लेसेंटा जो है वो किस काम में हेल्प कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है प्लेसेंटा, ये ध्यान रखेंगे। तो प्लेसेंटा जो है वो वेस्ट मटेरियल को, एसिडिक मटेरियल को रिमूव करता है, CO2 को रिमूव करता है, उसमें हेल्प करता है, और मदर के ब्लड से O2 और न्यूट्रिएंट को लेने में हेल्प करता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चीज लिखा है कि जब यही फीटस, ये कुछ समय बाद जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये कुछ समय बाद ये चित्र ऐसा दिखने लगेगा, मैं देखिए मैं कैसा बना रहा हूं, कुछ समय बाद इसी जगह पर आपको ऐसे फिटस दिखाई देने लगेगा, ऐसे बच्चा, यही इसी के अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म वो सब आ जाएंगे टिश्यू, और इन फिटस बन गया, बच्चा बन गया। तो आप देखते हैं बच्चे के नाभि से एक धागे, एक मोटा रस्सी जैसा चीज निकला रहता है इससे, और वो ही तो जाता है कोरियोनिक विलाई में, प्लेसेंटा में, ठीक है। इसी को अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ध्यान रखेंगे ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ये प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड ये फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है, यानी ये जो प्लेसेंटा आप देख रहे हैं इसमें एक ये अम्बिलिकल कॉर्ड आ रहा है, इसी से ये तमाम, इसी के अंदर ये तमाम जो ब्लड वेसल्स आप देख रहे हैं इसी के अंदर से आते जाते हैं, इसी के अंदर से ब्लड वेसल्स, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर से की ब्लड वेसल्स जा रहे होते आते हैं, ठीक है। यानी अम्बिलिकल कॉर्ड का काम क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड का काम है प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट करना, यही मोटा सा है अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा एंड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, यानी कि अगर प्लेसेंटा और फीटस के बीच में ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। मान लो ये प्लेसेंटा है और ये एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब फीटस, दो महीने से जब ज्यादा एम्ब्रियो हो जाता है तो उसी को फीटस बोलते हैं। तो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को ये कनेक्ट किया है ट्यूब, यही तो है वो ट्यूब, तो इसी ट्यूब को बोलते हैं, इसी ट्यूब को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो इसी के अंदर जो ब्लड वेसल्स आती है प्लेसेंटा में घुसी रहती है, वही तो मैं दिखा रहा था कि इसकी ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर से ब्लड वेसल आई वो कोरियोनिक विलाई में चली गई,
और एक्सेप्टिव मटेरियल पहुंचाने में ओटू में प्लेसेंटा तक, प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट को एम्ब्रियो तक पहुंचाने में ये हेल्पफुल होती है। तो ये कहां जा रहा है, टू एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो से चीजों को लेना और एम्ब्रियो से चीजों को एम्ब्रियो को देना ये थ्रू किसके होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा, एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा। तो अब आपको समझ में आ गया कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड एक टिश्यू होता है, एक ऑर्गन होता है जो कि प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को आपस में कनेक्ट करता है, या रस्सी जैसा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हैं जब वजाइना से बाहर निकलता है तो उसमें उसमें ये प्लेसेंटा हिस्से जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा रहता है उसको काट दिया जाता है, काट करके उसको क्लिप लगा दिया जाता है। तो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं जिनके देखोगे नाभि पर छोटा सा सॉफ्ट टिश्यू लटका रहता है और वो दो चार पाँच दस दिन तक लटका रहता है, क्लिपिंग उसकी कर दी जाती है क्योंकि उसमें कुछ मटेरियल निकलता रहता है ताकि कुछ निकले ना, और धीरे धीरे वो सूख करके एकदम छोटा होकर के अपने आप टूट के गिर जाता है। तो ये होता है अम्बिलिकल कॉर्ड।